Yes, good morning to everyone. Is the sound is audible and clear to everyone? Comment it first. Thank you for confirming, Arun, Shailja, Sagar and Kulvinder. Thank you very much. So this is the lecture on the design of the staircases. We already discussed about the stairs in the previous lecture. So today we are going to do the numerical of the same design of the stair. I hope the numerical is going to be over in this session. So without wasting any more time, I'm going to start the session now. Yes, the whole screen is visible to you, I think, right? Okay, so I start the design. So the question जो इसका आप लोगों को आता है वो बड़ा simplest question आता है. हमेशा एक ही type का इसका जो है question वो बनता है. The question would look like this. First, मेरे को ये clear करिए कि जो साइड में लास्ट बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है वो मेरी आवाज़ को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है. वो म्यूजिक इसीलिए है ताकि वो थोड़ा सा सेशन जो है उसमें एक अच्छा सा म्यूजिक चलता रहे. वो आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, मेरी आवाज़ को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है वो म्यूजिक. एक बार ये कन्फर्म कर दीजिए मेरे को.
ओके, थैंक यू हनीश, इंद्रजीत एंड अमित, थैंक यू। सो देखिए, एक ऐसे ऐसा क्वेश्चन जो है वो हमेशा एक स्टेयर केस का आता है। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हमें एक ही स्टेयर केस जो है वो डिज़ाइन करना है। दैट इज़ जो चेंज आएगा इस क्वेश्चन में यही आएगा, अभी ये हमेशा रहेगा, डिज़ाइन अ डॉग लेग्ड स्टेयर। सिर्फ जो ये मैंने मार्क किया है, जो दो तीन चीज़ें मैंने मार्क करी हैं, वही चेंज हो सकती हैं। वन इज़ दी ऑफिस बिल्डिंग, इसके लिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी हो सकती है, इसके लिए कोई अपार्टमेंट की बिल्डिंग भी हो सकती है। तो उस पर एक ही वैल्यू डिपेंड करती है, वो है लाइव लोड की। जैसे जैसे हम आगे करेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू इसके कारण चेंज करेगी, और जिस रूम में हमें स्टेयर लगानी है वो कितनी होनी चाहिए, उसकी डायमेंशन 3x6 इतने का रूम है, उसमें आपको ये स्टेयर केस जो है वो लगाना है। ठीक है जी, फ्लोर की हाइट जो है वो 3x3.5 meter की है। ये दो तीन वैल्यूज़ जो है वो हर क्वेश्चन में चेंज करेंगी, और ये तो हमें पता ही है कि ब्रिक वॉल के ऊपर सपोर्ट करती हैं, और उसकी जो थिकनेस है वो 230 mm थिक है। ब्रिक वॉल जो बनी हुई है वो इतनी थिक है। एट द एंड ऑफ द लैंडिंग, मतलब जहाँ पे आपकी लैंडिंग ख़त्म होती है, जहाँ पे आपका फ्लोर आता है, वो इतना थिक है, राइट। उसके बाद हम M20 कंक्रीट और Fe415 स्टील को जो है वो यूज़ करेंगे। तो बताइए, क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से एनी डाउट इन द क्वेश्चन, कमेंटेड फास्ट। ओके, थैंक यू अरुण, थैंक यू। तो बड़ा ही सिंपलेस्ट सा इसका जो है न्यूमेरिकल रहता है हमेशा। बहुत सिंपल स्टेप्स है, 5 या 6 steps इसके टोटल बनेंगे आपके न्यूमेरिकल के। बहुत इजी न्यूमेरिकल भी ये रहता है। तो क्वेश्चन आपको हमेशा ऐसा ही आएगा, जो चीज़ें चेंज होने वाली मैंने बता दी। एक तो ये चेंज हो सकता है, डायमेंशन तो चेंज हो ही सकती हैं, और ये ग्रेड चेंज हो सकता है जो एक्चुअल में चेंज होना बनता है। बाकी और कुछ भी इस क्वेश्चन में चेंज आपको नहीं आएगा, राइट। तो इसको क्लियर करता हूँ, आगे इसके फर्स्ट स्टेप के ऊपर बढ़ता हूँ मैं। लेकिन साइड में कुछ डायग्राम जो है वो मैं साइड पे ज़रूर रखना चाहूँगा, जो आपको काम आएंगी, क्योंकि सबसे पहले हमें इस ब्रिक्स की स्टेयर केस का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो देखिए, ऐसा डायग्राम हमें देखने को मिलेगा इसका, जो हम लास्ट में बनाएंगे। लेकिन इसको मैं अभी साथ में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसकी मेरे को अभी ज़रूरत पड़ेगी आपको समझाने के लिए। एक और डायग्राम को मैं साथ में ज़रूर रखना चाहूँगा, वेट, यस आई गॉट द डायग्राम, गोइंग टू अपलोड इट, यस। तो देखिए, आपको डॉग लेग्ड बनाना है तो जितनी रूम की डायमेंशन है, जो जो हमें पता है, हम सबसे पहले उसको मेंशन कर लेते हैं। देखिए, हमें ऐसे बनानी है, बीच में कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं अभी हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन आपको एक ओवरव्यू दिखा दिया मैंने कि आपको कुछ डायग्राम जो है रेडी करना है, जो हमने हमारे फर्स्ट और सेकंड स्टेप के बेस पे होगा। ठीक है जी, ये अभी के लिए आपके यूज़ में नहीं है, लेकिन मैंने एक सैम्पल ज़रूर दिखाया कि लास्ट में आपका स्टेयर केस जो है कुछ ऐसा दिखेगा, और ये सारी डायमेंशन जो आपको नज़र आ रही हैं ये सभी आप लोगों ने जो है निकालनी है। तो चलिए, अभी मैं इसको साइड पे रखता हूँ, हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हमें क्या करना है इसमें, सो देखिए जी, आपके पास क्वेश्चन है, जो आपके पास फर्स्ट स्टेप का बनेगा, सबसे पहले हमें इस स्टेयर केस का डायमेंशन निकालना है। सबसे पहले इस स्टेयर केस का हमें जो है डायमेंशन निकालना है। वो डायमेंशन निकालने के लिए इसमें आपको सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, अजम्पशंस बहुत ले सकते हैं हम इसमें। तो स्टेयर केस के लिए डिज़ाइन के जो कोड यूज़ होते हैं वो IS 456-2000 होता है, IS 875 जो हमारा डेड लोड का, और लाइव लोड का जो कोड है वो यूज़ होता है, SP16 हमारी एक बुक होती है जिसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब तीनों में से हम कुछ ना कुछ हेल्प लेते हैं इसके डिज़ाइन को करने के लिए। वो आपको मैं बताता जाऊँगा कौन सी चीज़ IS 456 में से आई है, कौन सी IS 87 में से आई है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो SP16 होता है, बुक होती है। तो सबसे पहले हमारे पास विथ कितनी अवेलेबल, आप क्वेश्चन में देख रहे हो हमारे पास अवेलेबल विथ है 3 meter, कि 3 meter चौड़ी अवेलेबल विथ में ही हमें स्टेयर्स को बनाना है, राइट। उसके बाद हमें देखिए, अगर
3 मीटर की विथ है, तो हमें उसमें दो फ्लाइट्स तो चाहिए, दो फ्लाइट चाहिए। अभी फ्लाइट क्या होती है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, अभी मेरे को इस डायग्राम की जरूरत फिर से पड़ेगी। ये देखिए ये डायग्राम, ये जो हमने कल भी एक डायग्राम देखा था, आज फिर से आपको दिखा रहा हूँ। फ्लाइट होती है ये वाली, जो इसका बॉटम होता है, मतलब ये सारी जो इंक्लाइंड लाइन है, ये कितनी फ्लाइट लेके चढ़ रही है, राइट। इसको हम उसकी फ्लाइट बोलते हैं, स्टेयर का, इसको हम फ्लाइट का जो है वो स्टेयर का जो है फ्लाइट बोलते हैं। हमें देखिए, मैं दूसरा डायग्राम भी अगर आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाऊं तो आप एक चीज़ को और समझिए। आपको देखो 3 मीटर चौड़ा है आपका जो रूम है, उस जिसमें से आपको स्टेयर केस को निकालना है। वेट, मैं थोड़ा सा साइड पे लेके जाता हूँ इसको। यस, तो देखिए कुछ ऐसा है आपका रूम, आपको 3000 mm जो है इसकी विथ है, आपको इसमें दो फ्लाइट्स लेके आनी है। दो फ्लाइट मतलब एक इधर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं, इसके नीचे फ्लाइट होगा, एक सीढ़ियाँ इस तरफ आ रही हैं नीचे की तरफ जो आती हैं या ऊपर की तरफ जाती हैं, इसका जो है हमारे पास फ्लाइट होगा। तो अभी देखिए, हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि इन दोनों को आपस में जोड़ दे, कुछ तो गैप बीच में हम रखते ही हैं, कुछ गैप हम बीच में रखते ही रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने इसको दो पोर्शन में क्या है, डिवाइड कर लिया, इसको दो पोर्शन में आपस में डिवाइड कर लिया। अगर यहाँ पे अगर देखिए, अगर अब यहाँ पे देखिए, तो हमें दो फ्लाइट लेनी है, तो दो फ्लाइट इस तरह से लेनी है कि हम 3 का हाफ नहीं कर सकते। अगर 3 का हाफ कर देंगे तो हम ये जो इंटरमीडिएट स्पेस है इसको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इंटरमीडिएट स्पेस तो चाहिए, क्योंकि अगर दोनों जोड़ देंगे तो डॉग लेग, हमें याद रखिए स्टेयर ऐसे बनानी है, पहले ये ऐसे चढ़ती हैं फिर ऐसे चढ़ती हैं, तो इन दोनों के बीच में कुछ तो गैप होगा, तभी तो हम एक दूसरे के ऊपर से स्टेयर को जो है वो निकाल पाएंगे। तो ये गैप को हमें बीच में छोड़ना है, तो अगर हमें गैप को छोड़ना है तो इसका मतलब यह है कि हम 3 मीटर पूरा हाफ नहीं कर सकते। अगर हमने पूरे का हाफ कर दिया तो बीच में स्पेस नहीं रहेगी। तो हम अज्यूम कर सकते हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं कि दोनों के बीच में जो, वैसे अगर मैं इसका हाफ करता हूं तो 1.5 आता है, 1.5 हम नहीं ले सकते, 1.5 से थोड़ा कम लेना। तो हमने अज्यूम कर लिया कि हम इसके बीच में जो दोनों के बीच में डिफरेंस रखेंगे वो एक फ्लाइट का जो हम विथ रखेंगे वो रखेंगे 1.35। अगर 1.35 एक है, दूसरी भी 1.35 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बीच में स्पेसिंग कितनी रहेगी। टोटल अवेलेबल विथ मेरे पास 3 है, उसमें से 2 टाइम्स 1.35 कर दूँ 0.3, तो मतलब 300 mm मेरे पास बीच में जो है वो स्पेस बच जाती है। इसको देखते हुए हमने ये डायमेंशंस बाद में लिखनी है, ये पहले आपको लिखनी नहीं है, ये आपको अभी बाद में लिखनी है। मतलब अभी के लिए आपका जो डायग्राम रेडी हुआ सिर्फ इतना हुआ, आपने ये आपका 6000 इसकी आउटर पेरिफेरी है, उसके बाद ये आपका उन्होंने दिया हुआ लैंडिंग के बाद कितना डिस्टेंस है 230 mm, मतलब 0.23 है। ये जो आपका 6000 है वो यहाँ से है, इस डायग्राम में थोड़ा सा गलत हो गया, 6000 जो है आपका यहाँ से है, जो आपकी हैच पोर्शन नहीं है उसके बीच में है। बाहर वाला जो पोर्शन है, मतलब इतना वाला जो पोर्शन है, 0.23 है, आपको क्वेश्चन में दिया है 230 mm, जो मतलब लैंडिंग के बाद जहाँ पे आपकी स्पेस होगी। तो मतलब टोटल जो इसकी लेंथ बनती है वो बनती है 6 plus 0.23 into 2, तो ये जो है इसकी टोटल लेंथ बनती है जो आपका स्पैन है। लेकिन अभी हम उसको नहीं देख रहे, अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास विथ थी 3000, उसमें से हमने दो फ्लाइट्स निकाल दी, एक फ्लाइट की हमने विथ निकाल ली 1.35 mm में, वो 1350 हो जाएगी, सिमिलरली इधर भी 1350 हो जाएगी, और बीच का गैप भी हमने निकाल लिया 300 mm। अभी सिर्फ इतना बताइए, क्लियर हुआ? अभी ये नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास नहीं आए जो आपको आके काउंटिंग नज़र आ रही है, ये अभी हमारे पास नहीं है। अभी सिर्फ हमने इतना किया है कि हमने दो फ्लाइट्स को कितने पोर्शन में डिवाइड किया है। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से ओके, थैंक यू अरुण, थैंक यू वेरी मच। तो आगे हमारे पास फ्लोर टू फ्लोर हाइट भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा था, तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट हमारे पास कितनी है 3.5, तो मतलब
जो हम फ्लाइट बनाएंगे, एक फ्लाइट की हमारे पास हाइट कितनी होगी? ऑब्वियस है कि हम दो में डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, आपको स्टेयर ऐसे चढ़ानी है ऊपर। तो मतलब जो एक ये फ्लाइट है, दिस इज़ द फर्स्ट फ्लाइट एंड दिस इज़ द सेकेंड फ्लाइट, तो टोटल हाइट इसकी 3.5 है, टोटल हाइट जो है इसकी 3.5 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम इसको दो फ्लाइट्स में डिवाइड करेंगे तो 3.5/2 हो जाएगा, 1.75 मीटर आ जाएगा। ओके, आई एम स्टॉप दैट बैकग्राउंड म्यूजिक। यस, नाउ इट इज क्लियर, नाउ द साउंड इज क्लियर। आई स्टॉप द बैकग्राउंड म्यूजिक। इट इज क्लियर टू यू नाउ? ओके, अभी पता लगा है कि नहीं लग रहा है? ओके, क्लियर अप टू दिस? तो अभी हमने जो किया है, सिंपलेस्ट सा एक प्रोसेस किया है कि 3000 हमारे पास जो है टोटल विथ थी, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि बीच में गैप छोड़ना होता है। तो हमने अज्यूम कर लिया 1.35, 1.35, ये हो गया 300, ये निकल गया। उसके बाद ये तो हमें पता ही है कि दो फ्लोर के बीच में हाइट 3.5 है, तो उसको दो फ्लाइट्स में हमें डिवाइड करना है। इसके बीच में तो कोई भी गैप हमें नहीं चाहिए, तो हमने सीधा डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दिया। तो एक फ्लोर मतलब एक जो आपकी स्टेयर की लेंथ आ जाएगी, मतलब एक साइड से जहाँ चढ़ेंगी हाइट, वो कितनी आ जाएगी? 1.75 मीटर जो है वो आ जाएगी। यहां तक क्लियर है? इस स्लाइड में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बताइए। ओके, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। तो मतलब आपकी जो ये एक फ्लाइट है, जो आपकी ये एक फ्लाइट है, उसकी हाइट कितनी हो गई है? 1750, राइट? 1750 पे आपकी जो है एक फ्लाइट जो है अब बन चुकी है। गॉट इट? इतनी हाइट पे आपकी बनेगी। अभी बाकी डायमेंशन हमें निकालनी है, तो इसलिए इसको फिर से मैं दोबारा से इसको साइड पे कर देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको फिर से मैं साइड पे कर देता हूँ, अभी इसको भी साइड पे कर देता हूँ। न्यू स्लाइड के ऊपर हम आते हैं। उसके बाद आ गया जी, हम स्टेप्स के ऊपर आ जाते हैं अपने। देखिए, ये डायग्राम को देखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें हमने कल कर चुके हैं कि जब एक स्टेप होता है, जब कोई एक स्टेप होता है, तो हम उसकी डायमेंशंस को कैसे देखते हैं। आप लोग ये कल चीज़ कर चुके हो कि ये जो हमारा जो हमारी एक सीढ़ी की हाइट होती है, उसको हम राइजर बोलते हैं। जो उसका बेस होता है, जिस पे हम पैर रखते हैं, उसको ट्रेड बोलते हैं। नीचे वाली को हम वेस्ट स्लैब बोलते हैं। ये कल हम कर चुके हैं। उसकी हमारे पास एक डेप्थ होगी और एक इफेक्टिव डेप्थ होगी, मतलब जहाँ तक भी मैं सेंटर ऑफ द स्पैन तक वो इफेक्टिव डेप्थ लेते हैं, जो हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते आए हैं। तो राइजर आर से डिनोट करते हैं और ट्रेड टी से करते हैं। लेकिन देखिए, हमें पब्लिक बिल्डिंग दी हुई है, हमें दिया हुआ है कि ऑफिस बिल्डिंग है, तो ऑफिस बिल्डिंग एक पब्लिक बिल्डिंग होती है। तो पब्लिक बिल्डिंग के लिए जो हम राइजर की वैल्यू लेते हैं एज पर IS 875, वो 130 के से लेके 170 mm तक ले सकते हैं। मतलब आपके स्टेप्स की एक हाइट इतनी होनी चाहिए, 130 से 170 mm। तो दोनों में से हमने इसके सेंटर को ही चूज कर लिया। लेट अस अज्यूमिंग द हाइट ऑफ द राइजर इज 150 mm। तो हमने उसको कितना ले लिया? हमने ले लिया 150 mm। तो अभी आपको पता है 150 है, तो टोटल हाइट आपकी एक फ्लाइट में कितनी आ रही है? 1750। उसको आपको स्टेप्स में डिवाइड करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर ऑफ स्टेप्स बनेंगे जब आप 150 से उसको डिवाइड कर दोगे। तो वो आया 11.67। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके टोटल मिला के कितने राइजर बनेंगे? 12 राइजर बनेंगे। तो आपके कितने राइजर हो गए? 12। अभी आप इस डाइग्राम में देखिए दोबारा। मतलब ये आपका फर्स्ट राइजर है, फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, नाइन, टेन। ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, इसमें पूरे ही स्टेप्स नहीं बनाए हैं जितने होते हैं, ये सिर्फ डायग्राम समझाने को है आपको। तो आपके टोटल नंबर ऑफ मिला के 12 राइजर्स जो है हो जाएंगे, ये आपका बेस कनेक्ट होगा, और ये आपके 10 राइजर्स यहाँ पे शो किए हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे क्वेश्चन के लिए वो 12 है, लेकिन ये सिर्फ एक समझाने के पर्पज़ से है, ये एक समझाने के पर्पज़ से आपको दिखाया गया है कि इतने राइजर हैं, राइट। तो हमारे पास नंबर ऑफ राइजर्स कितने आ गए, 12 आ गए। अभी जितने राइजर होते हैं ट्रेड, उसका नंबर ऑफ ट्रेड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ राइजर माइनस वन, मतलब जितने हमारे राइजर होंगे उसमें से अगर माइनस वन कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रेड्स आ जाते हैं। तो इसी से हमें पता चलता है कि हमारी टोटल मिला के सीढ़ियाँ जो है वो कितनी हैं जब ट्रेड आ जाते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ पे आप लोगों को काउंटिंग नज़र आ रही है, इसीलिए जो यहाँ पे आपको काउंटिंग नज़र आ रही है 1 to 11, तो यहाँ से हमें पता चला कि हमें टोटल मिला के 11 स्टेयर्स जो है वो लेनी है। गॉट इट, क्लियर हुआ यहाँ तक? जो ट्वेल्थ है, जो बनी, जो हमारी ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ हमारी लैंडिंग आ जाती है, इसीलिए उसको हम ट्रेड में काउंट नहीं करते हैं, वो लैंडिंग में काउंट हो जाता है, इसीलिए वो जितने हमारे पास राइजर आते हैं उसका हम माइनस वन जो है वो कर देते हैं। गॉट इट, क्लियर हो गया? थैंक यू सागर एंड अरुण। अभी हमें ये नहीं पता कि एक ट्रेड की हम विथ कितनी रखेंगे, तो अब एज पर दी ऑफिस बिल्डिंग, एज पर दी IS 875, हम उसको 270 से 350 के बीच में ले सकते हैं। ऑफिस बिल्डिंग के लिए 270 और 350 के बीच में इसकी वैल्यू को ले सकते हैं। थैंक यू पूजा एंड चल जाए। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को चूज कर लिया 300 mm, लेट द विथ ऑफ द ईच ट्रेड 300 mm। हमारे पास टोटल 11 है, अगर 11 है तो टोटल हमारे पास गोइंग कितनी बन गई, वही था ना कि जब हम सभी ट्रेड को प्लस कर देते थे फिर हम उसको गोइंग बोलते थे, कल हमने डेफिनेशन में किया था। तो टोटल गोइंग हमारे पास कितनी बन गई, 3300 बन गई, और इसका मतलब क्या हो गया कि 3.3 mm जो स्पेस है वो एक सीढ़ी लेगी चढ़ाने में, राइट। गॉट इट? तो जब हमारे पास ये डायमेंशन निकल जाती है उसके बाद हमें डायग्राम में इसको प्लॉट करना और इजी हो जाता है, जब हम यहाँ तक डायमेंशंस को निकाल लेते हैं। तो अभी आप इस डायग्राम को फिर से देखिए, जब आप इस डायग्राम को देखोगे, देखिए अभी हम आपके पास ये टोटल जो विथ है, अब ये विथ मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक है 6000 भाई, वो यहाँ से यहाँ तक है, ये एरोस के ऊपर ना जाइए, ये आपकी ब्रिक वॉल है जिसके ऊपर इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो इस पोर्शन को ना देखिए, 6000 जो मैंने रेड से मार्क किया वहां तक है। तो आपकी जो स्टेयर की पूरी विथ आ रही है वो 33 आ रही है, 3300 आ रही है आपकी, राइट। और साइड पे आपको ये ब्रिक वॉल का दिया ही हुआ क्वेश्चन में 230 230, तो जब 6000 में से आप 3300 को माइनस कर दोगे, जब आप 6000 में से 3300 को माइनस कर दोगे, आपके पास जो स्पेस बचेगी वो लैंडिंग की बचेगी। तो आपकी दो लैंडिंग होगी, एक जहाँ पे आपकी यहाँ पे स्टेयर चढ़ रही हैं, आप यहाँ पे पहुँच के, जैसे मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा, आपने यहाँ से स्टेयर चढ़नी शुरू की, यहाँ पे आ गई लैंडिंग, तो दिस इज़ योर फर्स्ट लैंडिंग। तो यहाँ से फिर से स्टेयर टर्न करती हैं और आप पहुँच गए इस फ्लोर पर, दिस इज़ योर सेकेंड लैंडिंग। तो इसीलिए आपके पास जो ये टोटल विथ बचती है 6000 में से 3300 माइनस करके, उसको हमें 2 से जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे किया हुआ है पीछे, आप देख सकते हैं। देखिए 6 में से 3.3 को माइनस किया, उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, मतलब एक जो आपके पास लैंडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 1.35 मीटर और 1350 mm आ रही है। इसलिए हमारा ये पूरा जो डायग्राम है, डायमेंशन जो है उसकी रेडी हो जाती है। अब किसी भी स्टेप में आपको समझ ना आया हो कि कैसे कोई डायमेंशन निकालिए तो पूछिए, अभी ये डायग्राम आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें कोई भी डायमेंशन ऐसी नहीं है जो आपको नहीं पता हो। बताइए जल्दी से, क्लियर हो गया ये डायग्राम सभी को? बताइए, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये आपका जो डायमेंशंस है अभी यहां तक बन चुकी है। अभी जो हमारे पास दूसरा डायग्राम था उसके ऊपर भी एक बार नजर मार लेते हैं।
यस दिस वन। तो यहाँ पे भी आप लोगों को अब ये क्लियर हो गया होगा कि ये आपकी जो लैंडिंग बनती है, एक जहाँ से आपने स्टेयर्स को चढ़ना शुरू करना है 1350, और ऊपर भी जो एक लैंडिंग बन रही है 1350, और बाकी जो स्टेयर का बीच में डिस्टेंस है दैट इज़ द 3300 mm। देखिए ये लैंडिंग है, ये डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा, जहाँ पे हम आप अपने कॉलेज में जूम करिए, जब आप सेकंड फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे ऊपर जाते हैं, एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म आता है आधी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, उसको हम लैंडिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद जो स्टेयर्स हैं दोबारा से दूसरी डायरेक्शन में टर्न कर जाती हैं ऐसे, तो यहाँ पे भी कुछ स्टेयर्स होती हैं ऐसे। अभी यहाँ पे मेरे पास डायग्राम क्लियर नहीं बन रहा, यहाँ पे भी फिर स्टेयर्स होती हैं ऊपर की तरफ जो है वो चढ़ जाते हैं, राइट। क्लियर अप टू दिस, बताइए जी। चलें आगे, कमेंटेड फास्ट, ओके थैंक यू। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग द ऑल द डायमेंशंस, अभी जो है वो स्पैन को कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव स्पैन को अभी हम कैलकुलेट करेंगे अपने। फिर से वो डायग्राम की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो दोबारा से उसको हम साथ में ही रख लेते हैं इस डायग्राम को। यस दिस वन। तो यहाँ पे आप लोगों को इफेक्टिव स्पैन निकालना है। इफेक्टिव स्पैन कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस होता है, द सेंटर ऑफ द ब्रिक वॉल, जो ब्रिक वॉल है और ये वाली जो ब्रिक वॉल है इसके सेंटर के बीच का वो डिस्टेंस होता है इफेक्टिव स्पैन। तो आपको ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता है वो है 6000, राइट। आपको ये भी पता है कि एक ब्रिक वॉल कितने की है, 230 mm की है, तो मीटर में हो गया 0.23। हमें लेना है हाफ से, 0.23/2 हो गया, सिमिलरली इधर से भी 0.23/2 हो गया, तो टोटल हमारा इफेक्टिव स्पैन कितना आ गया, 6.23 mm और 6230 mm। क्लियर अप टू द इफेक्टिव स्टेप नंबर टू, इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ से आप देख सकते हैं कि देखिए आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 6000 mm है, 1300 + 33 + 1300, 6000 बनता है पूरा, और वो ये 230 का आपको इधर से भी हाफ लेना है और आपको इधर से भी हाफ लेना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो ये आपका टोटल निकल गया इफेक्टिव स्पैन, कि आपका टोटल इफेक्टिव स्पैन कितना है, इतना है। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक क्लियर है सबको। कमेंटेड फास्ट, वेटिंग फॉर कमेंट्स, ओके थैंक यू सागर। तो ये हम क्यों निकालते हैं इफेक्टिव स्पैन, क्योंकि इफेक्टिव स्पैन से हमारा स्टेप नंबर थ्री बना हुआ है, थिकनेस ऑफ द वेस स्लैब। मतलब जो मैंने पहले बताया था पिछले डायग्राम में, हमने देखा था ऐसे एक स्टेयर बनी हुई है और जो उसके नीचे का ये पोर्शन होता है, इसकी जो हमें थिकनेस है वो कितनी रखनी है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। सो द थिकनेस ऑफ द वेस स्लैब इज इक्वल टू द अकॉर्डिंग टू द IS 456 120 ऑफ द स्पैन, 1/20th ऑफ द स्पैन। तो आपने ये निकाल लिया, उसको 20 से डिवाइड करिए तो आपके पास ये आ जाती है। तो ये 311.5, उससे थोड़ी हम ज़्यादा ही लेते हैं। अज्यूम करते हैं हमारी जो डी है, मतलब जो टोटल डेप्थ है वो आएगी, डी इज इक्वल टू जो टोटल थिकनेस है 325, और इफेक्टिव थिकनेस जो हम लेंगे दैट इज, या इफेक्टिव डेप्थ भी इसको बोल सकते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 300 mm। गॉट इट, दैट इज द इफेक्टिव स्पैन एंड दैट इज द इफेक्टिव डेप्थ, 300 mm एंड द ओवरऑल डेप्थ इज द 325 mm। गॉट इट, गॉट इट अप टू दिस। बताइए,
ओके थैंक यू सागर अगेन. सो मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. द स्टेप नंबर 4 इज द कैलकुलेशन ऑफ द लोड्स. हमें लोड्स को कैलकुलेट करना है फोर्थ में. अभी देखो हमने सबसे पहले डायमेंशंस भी निकाल ली, उसके बाद इफेक्टिव डेप्थ भी निकाल ली, उसके बाद हम निकालेंगे लोड, क्योंकि लोड निकलेगा तभी बेंडिंग मोमेंट निकलेगी. अगर बेंडिंग मोमेंट निकलेगी तभी एरिया ऑफ द स्टील जो है निकलेगा. तो लोड को हम जो है दो पोर्शंस में हमेशा डिवाइड करते हैं स्टेयर के केस में. एक होता है ऐसा लोड और एक होता है लैंडिंग का लोड. तो ये दोनों अलग अलग पोर्शन है. एक होता है स्टेयर का लोड और एक होता है लैंडिंग का लोड. तो आपको सबसे पहले हम स्टेयर्स का लोड जो है वो कैलकुलेट करते हैं. हम सबसे पहले देखेंगे कि कितना उसका डेड लोड आ रहा है. पहले वेस्ट स्लैब, मतलब देखिए एक सीढ़ी ऐसी होती है. हम ये सिर्फ स्टेयर केस का अभी कर रहे हैं. तो अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहूँ फिर से, जिससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी होगी, ये वाली डायग्राम जो आपके पास है. इसमें हम दो तरह के लोड्स को कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले एक इस पोर्शन का करते हैं जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं और जहाँ पे ख़त्म होती हैं. दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं इस लैंडिंग का. दूसरा हम करते हैं इस लैंडिंग का लोड. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम इसका करेंगे. तो इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि नीचे ये हमारी वेस्ट स्लैब है. एक इसका वेट आएगा, फिर आएगा वेट ऑफ दी स्टेप्स. तो उसके फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द कोड. अकॉर्डिंग टू द कोड इसके फॉर्मूला है. तो वेट वेट ऑफ वेट स्लैब के लिए ये फॉर्मूला है, डी इज इक्वल डी अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू 25. 25 इज द यूनिट वेट ऑफ द कॉन्क्रीट. तो सारी वैल्यूज इसमें पुट करिए. डी भी आपके पास है, आर भी आपके पास है, टी भी है. तो सभी वैल्यूज को पुट करने पे ये आएगा 9.1 किलो न्यूटन पर मीटर. स्टेप्स के लिए करिए 25 आर टी इंटू 2 टी. तो आपके पास ये एक स्टेप स्टेप्स का जो ये लोड आएगा 25 इंटू 0.150 इंटू 300 इंटू 2 इंटू 0.300. तो ये आएगा 1.875. तो जब हम दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो टोटल डेड लोड जो आपके पास स्टेयर के पोर्शन का बनेगा वो कितना बनेगा, 10.975 किलो न्यूटन मीटर. बताइए यहाँ तक कोई डाउट है? अब वेट वन सेकेंड प्लीज़, आई हैव अ कॉल. सो यस, क्लियर अप टू दिस? क्लियर अप टू दिस? समझ लग गया यहाँ तक हमने कैसे इसके लोड को कैलकुलेट किया? बताइए जल्दी से. चलिए आगे चलते हैं जी, अगर समझ लग गया तो. तो आफ्टर कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ द डेड लोड ऑफ द स्टेप्स, हम उसका लाइव लोड जो है वो 5 लेते हैं. ये भी हमें IS 875 में दिया हुआ है. मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, ये भी मैंने आपके लिए डाउनलोड किया था. तो IS कोड में ना ये एक प्रोविजन दी हुई है कि आपको लाइव लोड जो है, जिसको हम पोस्ट लोड भी बोलते हैं, वो कितना लेना, वो डिपेंड करता है कि कौन सी बिल्डिंग है. अभी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑफिस, ऑफिस बिल्डिंग है या पब्लिक बिल्डिंग. तो उसके लिए जो हम लाइव लोड है वो 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं. अगर ये रेजिडेंशियल होता तो 3 लेते. अगर आइसोलेटेड वाला अलग अलग स्टेप्स बने होते, जैसे जिसको हम थड़ी बोलते हैं घर की, तो उसके लिए इतना लेते हैं. और सर्विस स्टेयर है, जैसे कि वाटर टैंक के लिए, कैटवॉक के लिए स्टेयर्स जो बनाई होती हैं, उसके लिए 1.5 लेते हैं. तो ये टोटल प्रोविजन आप लोगों की है. तो हम इसमें हम ऑफिस वाली वैल्यू को यूज करेंगे, दैट इज द 5.
दैट इज वाई आई टेक द वैल्यू ऑफ 5। तो लाइव लोड आपका यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 10.975 पहले था और 5 को ऐड करने पे जो आपका टोटल लोड बन गया वो 15.975 बन गया। अभी हम इसका 1.5 करते हैं क्योंकि हमें तो फैक्टर लोड लेना होता है, हमेशा अल्टीमेट लोड लेना होता है। तो हम इसको 1.5 जब करेंगे तो टोटल स्टेयर का जो फैक्टर लोड बनता है वो आपके पास 24 किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। क्लियर अप टू दिस? बताइए जी, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर अप टू दिस? बताइए जी जल्दी से। उसके बाद आ जाते हैं जी लैंडिंग पे। लैंडिंग की हमारी एक विथ कितनी दी हुई है? 1350, राइट? तो और उसकी जो ये विथ है वो है 325 डेप्थ। हमें इसकी विथ नहीं पता, मतलब हम 2D डायग्राम है तो इसकी विथ को हम क्या मान लेते हैं हमेशा 1 मीटर। हम पर मीटर के लिए जब कैलकुलेशन करते हैं हमें इसकी विथ नहीं पता है, हमें इसकी एक लंबाई पता है और इसकी एक हमें ये डेप्थ पता है। लंबाई तो हमें चाहिए ही नहीं कैलकुलेट करने के लिए डेड लोड, हमें चाहिए डेप्थ एंड थिकनेस, सॉरी डेप्थ एंड विथ। तो डेप्थ तो हमारे पास 325 है लेकिन थिकनेस हमें दूसरी साइड ऑफ द पेपर हम यूनिट थिकनेस मानते हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इतना आ गया डेड लोड। लाइव लोड इसके इसके लिए 5 रहेगा। दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये हमारे पास बन गया टोटल लोड, इसका हमने फैक्टर किया तो इसका फैक्टर लोड बन गया 19.70 किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब लैंडिंग के लिए अलग से लोड है और स्टेप्स के लिए अलग से लोड है। गॉट इट? यहां तक क्लियर है सभी को? बताइए। ओके, थैंक यू सागर। तो चलिए इससे आगे चलते हैं जी। अभी देखिए, जैसे ही हमने इसको कैलकुलेट किया है तो हमारे पास जो ये टोटल स्पैन बन जाता है वो इस तरह से कुछ इसके स्पैन बन जाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम बन जाएगी। आप लोग अगर इस डायग्राम में फिर से देखिए तो इस डायग्राम से ही रेफरेंस लेके हमने इस सिंपली सपोर्टेड बीम को डिज़ाइन किया है। जैसे कि आप लोग ये डायग्राम देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये आपके पास देखिए 6, हाँ इसको देखिए ज़रा। देखिए अभी ये आपकी एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनेगी इसके सेंटर लेके और इसके सेंटर लेके, ये आपका बन गया टोटल स्पैन, ये आपका पूरा एक टोटल स्पैन बन जाएगा। अभी देखिए यहाँ तक आपकी एक लैंडिंग है और यहाँ तक आपकी एक लैंडिंग है। यहाँ तक का आपका टोटल डिस्टेंस कितना बनता है? 1 पॉइंट, क्योंकि इसके सेंटर से लेके चले 1.465 बनता है मीटर्स में। सिमिलरली ये भी 1.465 बनता है और सेंटर में जो स्टेयर का हमारा है वो 3300 बनता है। दोनों का डिफरेंट डिफरेंट लोड निकला है, इसका लैंडिंग का डिफरेंट लोड है, जितना इस लैंडिंग का है उतना ही इस लैंडिंग का लोड है, राइट? और जो सेंटर में स्टेयर है उसका 24 निकला था यूडी, वो ऐसे। तो इस चीज़ को रेफरेंस में रखते हुए हमने इस डायग्राम को है यहाँ पे ड्रॉ कर लिया जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आइए देखिए, राइट? लैंडिंग के ऊपर इतना लोड है आपका और स्टेयर्स के ऊपर आपका इतना लोड है, स्पैन आपके ये हैं, गॉट इट? तो ये अभी आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन बन गया, सिंपली सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन बन गया कि नहीं? तो सिंपली सपोर्टेड बीम में आप लोगों को पता है कि आपकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे निकलती है? सेंटर पे। आपको यहाँ से बेंडिंग मोमेंट चाहिए क्योंकि बेंडिंग मोमेंट आएगी तो ये एरिया ऑफ स्टील निकलेगा,
MU यूज होता है ना वहां पे AST में। देखिए अब फिर से वही कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ कि उसको हमने डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, हम उसकी बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका RA है, ये आपका RB है। तो सबसे पहले आप इसकी रिएक्शंस आपको निकालनी आती है, टोटल स्पैन आपका 6.23 मीटर है, तो आपके पास दोनों रिएक्शंस ये निकल जाएंगी। और एट दिस सेंटर ऑफ द स्पैन, मतलब 6.23 डिवाइड बाई 2 उसका सेंटर होगा, ये सेंटर है उसका, उसके सेंटर तक जब आप अपनी बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करोगे अल्टीमेट, तो आपके पास इतनी आएगी। अब इसकी बेंडिंग मोमेंट को 1.5 आप नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ऑलरेडी अपने लोड्स को 1.5 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ऑलरेडी फैक्टर्ड लोड को लेके हम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए जो हमारी बेंडिंग मोमेंट आएगी वो अल्टीमेट ही आएगी। अब इसको 1.5 से नहीं करोगे, अगर पिछले स्टेप्स में अगर आपने लोड्स को 1.5 से नहीं किया होता मल्टीप्लाई, तो आप बेंडिंग मोमेंट को 1.5 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन आप ऑलरेडी लोड इफेक्टेड लेके चल रहे हो, वर्किंग लोड नहीं लेके चल रहे हो आप, तो इसलिए आपकी बेंडिंग मोमेंट भी अल्टीमेट ही आएगी। तो इतनी आपकी बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे मिड स्पैन पे आ जाएगी। ये तो कर लोगे स्टेप खुद से, ये तो वही है हमारा कॉन्सेप्ट सोम का ही चल रहा है, ऐसे का चल रहा है। बताइए ओके थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। तो यहाँ से हमने बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर लिया, अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है हमें एरिया ऑफ द स्टील कैलकुलेट करना है। तो देखिए वैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में स्टेयर में कैसे रीइन्फोर्समेंट डलती है। तो कुछ ऐसा वो सीन होता है, अगर आप लोगों ने किसी ने देखा है तो ऐसे वो इसमें स्टेयर में आपको रीइन्फोर्समेंट जो है वो डाली जाती है, राइट? तो इसी को हमने अभी एक डिजाइन करना है। देखिए फॉर्मूला वही यूज होगा जो हमने यूज किया था, तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट इतनी है, एरिया ऑफ रीइन्फोर्समेंट का देखिए फिर से वही फॉर्मूला, फिर से देखिए वही फॉर्मूला जो हम ऑल कितनी बार यूज कर सके, MU इज इक्वल टू 0.87 FY ASTD 1 माइनस ASTD FY अपॉन BD FCK। सारी वैल्यूज आप लोगों के पास हैं, FY की वैल्यू है लिखी भी हुई है ऊपर, क्या क्या वैल्यूज है उसकी, तो सारी वैल्यूज को जब आप लोग पुट कर दोगे तो आपके पास एरिया ऑफ स्टील इतना आएगा। तो उसके बाद आप सबको पता है क्या करना होता है, हमें एक बार को चूज करना होता है, मान लीजिए 16 mm की करी, उसका एक का बार का डाया कितना है, तो उसके बाद स्पेसिंग के लिए ये फॉर्मूला होता है हमेशा कि एक बार का कितना डाया मल्टीप्लाई बाय विथ डिवाइडेड बाय द AST। तो जब आप इसको करोगे आपके पास स्पेसिंग निकल आएगी, तो आप जो है लॉन्गिट्यूडनल रीइन्फोर्समेंट क्या प्रोवाइड करोगे, 16 mm करोगे एट द स्पेसिंग ऑफ 180 mm सेंटर टू सेंटर। इस स्टेप में कोई भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वही स्टेप्स हैं जो हम ऑलरेडी फुटिंग्स में भी कर चुके हैं, कॉलम्स में भी कर चुके हैं, राइट? क्लियर अप टू दिस? यस टेल मी, क्लियर अप टू दिस? तो ये तो हमारा निकल गया लॉन्गिट्यूडनल रीइन्फोर्समेंट, जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है दैट इज द ट्रांसवर्स रीइन्फोर्समेंट, दैट इज द ट्रांसवर्स रीइन्फोर्समेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ट्रांसवर्स रीइन्फोर्समेंट देखेंगे। तो ट्रांसफर रीइन्फोर्समेंट के लिए भी आप लोगों को पता है क्या फॉर्मूला होता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बोलते हैं, हम उसका जितना हमारा लॉन्गिट्यूडनल आता है उसका 12% अगर हम कर दें, मतलब 12% ऑफ द बी इंटू डी, तो ये हमारे पास इतना आ जाता है। इस ये एरिया जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसवर्स रीइन्फोर्समेंट का होगा, इसके लिए हम 10 mm की बार को यूज़ करें, फिर से वही एक बार का डाया निकालिए, फिर से स्पेसिंग का वही फॉर्मूला लगाइए, इतनी स्पेसिंग आ गई और ये हम इतने सेंटर से सेंटर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। क्लियर अप टू द डिस्ट्रीब्यूशन स्टील? नाउ सेम स्टेप्स हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। स्टील जब भी आपको कैलकुलेट करना है सेम फॉर्मूले है, चाहे आप बीम का डिज़ाइन करिए, स्लैब का करिए, स्टेयर केस का करिए, कॉलम का करिए, कोई भी करिए, तो फॉर्मूला उसका चेंज नहीं होता है, राइट?
क्लियर? ओके, थैंक यू सागर। इसके बाद सॉरी, एक और था डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमारा रह गया, उसको भी कवर करते हैं। लास्ट स्टेप है जो ये हमारा इस क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैसे, सॉरी डेवलपमेंट लेंथ का डिज़ाइन चेक कैसे लगाते हैं हम, वो करेंगे इसी में ही, इसी स्लाइड में ही। तो डेवलपमेंट लेंथ का फिर से वही फॉर्मूला जो हम यूज़ करते आए हैं, ये आपके क्लॉज इसमें दिया हुआ है, वही जो हमने डिज़ाइन ऑफ फुटिंग के दौरान भी देखा। तो अगेन वी आर पुटिंग दी ऑल वैल्यूज, वो आ रहा है 750.2। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कहाँ पे लेंथ जो है डबल रखनी है। इसका देखिए मीनिंग क्या होता है डेवलपमेंट लेंथ का, डेवलपमेंट लेंथ वो लेंथ होती है कि किस पोर्शन पे आपका जो क्रैक है वो किस पोर्शन तक आपके क्रैक्स जो है डेवलप हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो वहां पे आपको रीइन्फोर्समेंट को जो है वो डबल कर देना होता है, वहां पे आपको रीइन्फोर्समेंट को डबल कर देना होता है। तो 752 mm, जिसको हम 800 mm मान लें, कि हमें 800 mm तक की लेंथ को जो स्टील है वो डबल करना है। और वो कहाँ कहाँ पे करना, मैं आपको आने वाली डायग्राम में दिखाऊंगा। तो फाइनली हम इसको रेडी कर लेंगे, तो हमारे पास ये डायग्राम होगा जब हम यहाँ तक कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये देखिए, हम जो डिज़ाइन किया, आपकी ये जो लॉन्गिट्यूडनल बार सी वो 16 mm की थी, 180 mm स्पेसिंग पे। जो आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है वो 10 mm एट 200 mm की स्पेसिंग पे। और ये भी आपका लॉन्गिट्यूडनल ही है, जो यहाँ पे दे रहे हो आप लोग, ये लॉन्गिट्यूडनल देखिए। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है डेवलपमेंट लेंथ का, कि आपको जहाँ से स्टेयर ऊपर से ऊपर तक जा रही है, मतलब आपको जहाँ पे उसको टर्न करना पड़ रहा है, वो आप 800 mm तक करोगे। ये देखिए, मतलब जो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टील इधर से जा रहा है, उसको आपको 800 mm तक जो है उसको आगे कैरी करना पड़ेगा, ताकि क्रैक्स डेवलप ना हो इस जॉइंट में। और जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, उसको भी 800 mm तक की लेंथ तक आपको उसको नीचे तक कैरी करना पड़ेगा, वो डेवलप करने पड़ेगी लेंथ, ताकि इस पोर्शन में जो क्रैक जो है ना आए, लैंडिंग के साथ स्टेयर जो है ऑटोमेटिकली कनेक्टेड रहे। गॉट इट? तो इसका ये कॉन्सेप्ट होता है डेवलपमेंट लेंथ का। गॉट दिस क्वेश्चन? सो इन दिस वे यू कैन डू द न्यूमेरिकल ऑफ द स्टेयर केस, इट इज अ इजियर वन। और यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल जो है वो खत्म हो जाता है। इस न्यूमेरिकल के साथ खत्म होते ही हमारा स्टेयर वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। इन द टुमारोज लेक्चर वी स्टार्ट द रिटेनिंग वॉल्स और उसका डिजाइन करेंगे, उसके बाद हम हमारा कॉन्क्रीट का पोर्शन जो है वो खत्म कर देंगे। राइट? गॉट इट अप टू दिस? सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन प्लीज आस्क मी, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। क्लियर हो गया सभी को? ओके। और आप लोगों की आज अटेंडेंस बहुत कम थी सुबह सॉफ्ट स्किल में, और दिस इज़ अ लास्ट वार्निंग टू यू। अभी अगर ऐसा हुआ तो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन आप लोगों के ऊपर हो सकता है, क्योंकि हमारे पास पूरी मॉनिटरिंग है कि कौन क्लास लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा। सुबह आप लोगों की अटेंडेंस बहुत कम थी 9 बजे के लेक्चर में, और अगर इस बार तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर से अगर ऐसा हुआ तो कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन आप लोगों के ऊपर हो जाएगा। एक क्योंकि वो फ्री क्लास चल रही है, पेड में ट्रेनिंग होती है, वो एक फ्री चल रही है, और आप उसका ऐसे मजाक नहीं उड़ा पाओगे। वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में जितनी ये बाकी क्लासेज आप लोगों के लिए। सो बी अटेंटिव इन दैट क्लास। आज कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इतना कहूँगा आगे से सिंसियर हो जाइए, नहीं तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ठीक है जी? सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।